सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला अगर किसी का वीडियो है तो सिर्फ इसी का है। मैं गु खाने वाला जर्मन सेफर्ड पाल लूंगा, लेकिन जर्मन में बैठा आम आदमी पार्टी का दलाल ध्रुव राठी से हेट कभी नहीं कर सकता। यही है सबसे बड़ा झूठ दोस्तों कि उसको हर सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया। आज आप समझ जाएंगे फुल प्रूफ के साथ कि ये आदमी कितना झूठ बोल सकता है और कितना हद तक ये फ्रॉड कर सकता है। कितने लोगों ने इसे काउंटर करने की कोशिश करी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी इस पूरे 22 मिनट के वीडियो में एक भी गलती नहीं निकाल पाया। इसे ये बात बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए अपने आप पे, क्योंकि जिसने भी इसको रिप्लाई देने की कोशिश की, इसके वीडियो को काउंटर करने की कोशिश की, उसको हर सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जितने भी यूट्यूबर इसको चैलेंज किए थे इस वीडियो के लिए, उनका रिप्लाई देना तो छोड़ ही दो, उनको ट्विटर और यूट्यूब से भी ब्लॉक कर दिया। पहली चीज यहाँ पर यह है कि सिर्फ डाटा के आधार पर ये चीजें नहीं बोली जा सकती कि ये देश में ये चीजें हो नहीं रही है, फिर भी तूने बोल दिया है तो क्या कोर्ट का अभी तक ऑर्डर आया था? मैं आपको बता दूं कि केरला स्टोरी को लेकर अभी तक कोर्ट में केस चल रहा है। कोई अभी तक प्रूफ ही नहीं कर पाया है कि इसमें कितने आंकड़े थे। कोर्ट ने साफ बोला है कि ना ही ये 32,000 का आंकड़ा है, ना ही 3 का आंकड़ा है। आपको बस वहाँ पर अप्रोक्स लगाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में कि लगभग इतने लड़कियों के साथ ये चीजें हुई है। कोर्ट ने भी अभी एग्जैक्ट डाटा नहीं बताया है। फिर इसने फुल प्रूफ के साथ 3 लड़कियों के सिर्फ साथ हुआ है ऐसा क्यों बोल दिया? नहीं, सिर्फ 3 के साथ। यही है सबसे बड़ा झूठ दोस्तों। ये यहाँ पर बोलता है कि देश में बहुत ही ज्यादा नफरत फैलाया जा रहा है। अगर यहाँ पर डीपली देखा जाए तो सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला अगर किसी का वीडियो है तो सिर्फ इसी का है। इस देश में सबको हक है कि अपने नेता से प्यार करने का, अपने नेता के लिए वोट देने का और अपने नेता के लिए आवाज उठाना और प्रमोट करने का, और ये खुद आम आदमी पार्टी का दलाल है, सॉरी पैसे वाला दलाल है। अब क्योंकि ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया के लिए काम किया करता था, तो इस कारण से वो रेगुलरली आम आदमी पार्टी के जो ऑफिशियल ग्रुप्स होते हैं उनमें पोस्ट किया करता था। ये ग्रुप और पेजेस आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल थे और ध्रुव इसके अंदर एडमिन था, इसलिए वो पोस्ट कर पाता था। और ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियल पेजेस और ग्रुप में एडमिन है तो उसका उस पॉलिटिकल पार्टी से क्या रिलेशन होगा। 19 जनवरी 2015 को ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ग्रुप में एक पोस्ट शेयर करता है, जिसमें वो अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के बाकी के नेताओं से कंपेयर करता है। वो बताता है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल साफ छवि के व्यक्ति है और वहीं पे दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी लायर है, जो योगी आदित्यनाथ है वो रेपिस्ट है, अमित शाह एक मर्डरर है और अरविंद केजरीवाल एक नंबर के पक्के ईमानदार नेता है। और जो लोग आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को सपोर्ट करता है उसको ये गाली देता है। गोदी मीडिया, अंधभक्त, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसे वर्डों का यूज करता है उनका बेइज्जती करने के लिए। इस हिसाब से तो तुझे क्या बोलना चाहिए, पप्पू मीडिया या आम आदमी पार्टी का दलाल? और ये बोलता है हम वायलेंस के अगेंस्ट हैं। तुम एक मेजोरिटी सपोर्टर को गाली देते हो और बोलते हो कि हम वायलेंस नहीं फैलाते हैं। ऐसे लोगों को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, अपनी पैदाइश पर शर्म आनी चाहिए कि पैसों के लिए और कुछ व्यू के लिए इतना हद तक गिर जाना कि एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए दूसरे पार्टी के लोगों को गाली देना। ये है जिसे सिद्धार्थ यादव नाम के एक यूट्यूबर ने बनाया है। सिद्धार्थ बड़ा ही सुंदर नाम है, आप जानते ही होंगे गौतम बुद्ध का नाम हुआ करता था, लेकिन पता नहीं क्यों इस लड़के ने अपना नाम बदलकर सिद्धार्थ से एल्विश कर दिया। तो आज इसके चैनल का नाम है एल्विश यादव। अब हो सकता है ये एम्बैरेसमेंट की वजह से किया हो, कुछ लोगों को बड़ी शर्म आती है अपने ही कल्चरल नाम से। मैं यहाँ पर बता दूं इस पप्पू मीडिया को और आम आदमी पार्टी के दलाल को अजय देवगन, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, देवानंद, गोविंदा, ऋतिक रोशन, मिथुन, नाना पाटेकर, राजकुमार, रजनीकांत, यहाँ तक कि सलमान खान ने भी अपने नाम को चेंज किया है। तो यहाँ पर क्या समझे, इन लोगों को भी अपने कल्चरल नेम से शर्म आती है? नहीं, जो भी एक्टर होता है या यूट्यूबर होता है वो अपना स्टेज नेम जरूर रखता है। इस दलाल को कैसे पता रहेगा, इसे तो ना सही से एक्टिंग आती है, ना ही सही से न्यूज को बताने आता है। बस कुछ पार्टी के लिए सिर्फ इसको दलाली करने आता है और एक्टिंग के नाम पर इसको सिर्फ ये करने आता है। चलिए इसी के भाषा में समझते हैं कि जो लोग अपना नाम चेंज करते हैं उनको अपने कल्चरल नेम पर शर्म आनी चाहिए। इसके हिसाब से, उसके हिसाब से तो तू इस देश में रहता नहीं है, तो तुझे तो इंडियन होने पर भी शर्म आती होगी। जहाँ के तेरे मॉम डैड है तुझे तो वहाँ की पैदाइश पर भी शर्म आती होगी, तुझे अपने माँ बाप पर भी शर्म आती होगी क्योंकि वो इंडियन थे। तेरी बीवी फॉरेनर है तो तुझे तो इंडियन लड़कियों से भी शर्म आती होगी। अबे काले टट्टे, कुछ तो सोच समझ के बोल लिया कर।
चींटी छुपा रहेगी मौत। मतलब कुछ लड़के पंजा लड़ा रहे हैं और जो भी जीतेगा उसे लड़की की स्मूच मिलेगी। एक दूसरे वीडियो में एल्विस तीन तीन लड़कियों को सेट करता है जैसे कि वो लड़की नहीं खिलौने हो। मतलब तू रियल लाइफ को रियल लाइफ से कंपेयर करेगा कि किसका कैरेक्टर सही है किसका कैरेक्टर खराब है। अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, इस हिसाब से तो ये सब मर्डरर और रेपिस्ट हैं। यार ऐसे लोगों का दिमाग सेठिया जाता है दलाली करते करते किसी पार्टी का, तभी बिना लॉजिक वाला बात निकलता है। आप सोचेंगे मेरे रिसर्चर को घंटों का समय लगा होगा एल्विश की वीडियो क्लिप्स ढूंढने में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसने बताया सिर्फ 5 मिनट लगे ढूंढने में, क्योंकि उसने कहा एल्विश का पूरा चैनल ऐसी ही मिसोजिनिस्ट क्रिंज से भरा पड़ा है। हाँ हाँ क्यों नहीं, इसका चैनल तो दूध का धुला है ना। इसके कोई भी पॉलिटिकल वीडियो उठाकर देख लो, इसने उन सारे वीडियो में बीजेपी के खिलाफ बोला है और कांग्रेस का सपोर्ट किया है, और आम आदमी पार्टी का तो छोड़ ही दो, उसका तो दलाल ही है। ध्रुव राठी के चैनल की वो बस एक ही चीज पे आधारित है, वो है बीजेपी को हेट देना, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना, डिफेंड करना। और पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब भी आप एक पार्टी के साथ होते हो तो आप न्यूट्रल कभी नहीं रह सकते। जहां ध्रुव राठी अपने को आपका सपोर्टर बताते थे खुले आम, वहीं वो कुछ ऐसी जो पोस्ट आम आदमी पार्टी डेली ने शेयर किए हैं, ऐसी कुछ मूवीज, ऐसे कुछ वीडियोस, उनको एडिट भी करा करते थे। ध्रुव राठी आपके कर्नाटका के कैंडिडेट्स के साथ टॉक शो ऑर्गेनाइज करते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे एक पार्टी वर्कर करता है, और जब भी कोई उससे पूछे तो या तो वो पोस्ट डिलीट कर देते हैं या इस बात से इनकार कर देते हैं। पहले इसको अपने ही घर में झांक के देख लेना चाहिए कि उसने क्या गंद फैला के रखा है। पीछे दीवार पर ये जय श्री राम लिखेगा और सामने बैठकर मुंह से देखो कैसे शब्द निकलते हैं ना। और भाई ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत कैडी ऐप है, मतलब बेसिकली वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है। इसमें भाई तुम बहुत सारे लोगों से दोस्ती कर सकते हो, चाहे इंडिया के हो बाहर के हो, 17 मिलियन से ज्यादा होस्ट है और भाई बहुत कैडी कैडी स्ट्रीमर्स है, मतलब स्वाद आ जाएगा तुम्हें। मतलब धर्म का इस्तेमाल करना ऐसी घटिया चीजें प्रमोट करने के लिए। अब सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस तरीके से ये हिंदू धर्म का मजाक उड़ाकर वीडियोस बनाता है कि बॉलीवुड एंटी हिंदू है। भगवान के बारे में बात भी कौन कर रहा है, जो खुद भगवान का बेइज्जती करता है उनका मजाक बनाता है। बचपन में ही मुझे जब कहानियां सुनाई जाती थी तभी मुझे डाउट होता था, जब मैं 7-8 साल का था, कि ये क्या बोलने लग रहे हैं, ये ऑब्वियसली रियल नहीं हो सकता। करेक्ट। जब मुझे रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में, मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। मैंने क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर ही मैंने बचपन में ही ये कंक्लूजन रीच किया कि नहीं हो सकता, ये रियल नहीं हो सकता, कुछ सेंस नहीं बनाता। अब एक काले टट्टे, वो हमारे भगवान है, हनुमान जी है, थोड़ा इज्जत से नेम ले ले, ये बंदर क्या होता है, और बोलता है कि ये वायलेंस नहीं फैलाता है। किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उनके भगवान का मजाक उड़ाना, और ये वायलेंस नहीं फैलाता है। ये खुद अपने वीडियो में इतना हेट और वायलेंस को प्रमोट करता है और बोलता है कि हम वायलेंस नहीं फैलाते हैं, हम एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं। अरे तू रहने दे। मतलब धर्म का इस्तेमाल करना ऐसी घटिया चीजें प्रमोट करने के लिए। मेरे पास भी ऐसे ऑफर आते हैं दोस्तों कि इन चीप ऐप्स को प्रमोट कर दो, या फिर ये बेटिंग और गैम्बलिंग की ऐप्स को प्रमोट कर दो, हम इतने पैसे देंगे इसके, लेकिन मेरा कहना है नहीं। इसे ये बात बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए अपने आप पे। तो ध्रुव राठी के जो काले कारनामे हैं उनको मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ध्रुव दूसरों को बोलता है कि वो पीछे जय श्री राम लिखते हैं और बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं, बट ध्रुव राठी खुद क्या करता है, मिस्टर राठी तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगे, मैंने कहा था ना कि ये इंटरनेट की दुनिया है और यहाँ से तुम अपने फुटप्रिंट्स कितने भी मिटा लो, मुझसे नहीं बच सकते हो। सो हेयर इज द ट्रिम्ड पार्ट। वैसे इससे याद आता है मुझे दोस्तों, क्या आप जानते हैं पीएनपी कॉइन दुनिया की पहली रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी है, यानी एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो सारी गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो करती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप इन्हें जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहां पर मैं इनको धन्यवाद भी करना चाहूंगा इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अगर इस वीडियो में आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ध्रुव ने मेंशन किया है हैशटैग पार्टनरशिप। पेड प्रमोशन में लोग पेड प्रमोशन लिखते हैं, प्रमोशन लिखते हैं, या फिर वीडियो अपलोड करते समय वहां पे पेड प्रमोशन वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। लेकिन ध्रुव ने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया हुआ था, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ था हैशटैग पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप और पेड प्रमोशन में क्या अंतर होता है ये आपको बखूबी पता होगा। देखो ध्रुव, तुम्हें क्रिप्टो करेंसी का सी भी नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी तुम बिटकॉइन के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वीडियो बनाते हो और स्कैम प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हो। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ये तो वही बात हो गई कि आदमी का गुह खाएगा या सुअर का गुह खाएगा, दोनों बराबर ही है इसके लिए। मैं आपको बता दूं कि ये पैसों के लिए किसी भी पार्टी को प्रमोट कर सकता है और दूसरे पार्टी की बेइज्जती भी कर सकता है, यहाँ तक कि ये कुछ पैसों के लिए फ्रॉड कंपनी के ऐप को भी प्रमोट कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि इसने कितने फ्रॉड किए हैं
और कैसे कैसे फ्रॉड किया है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो डालूंगा आपको फुल प्रूफ के साथ है, जिसको काउंटर नहीं किया जा सकता है। वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जाकर जरूर देखना चाहिए कि ये किस किस्म का इंसान है। और जिस इंसान ने ये चीजें बताई है उसको हर जगह ब्लॉक करके रखा है कि पता ना चले इसकी काली करतूते। और उसके बाद जब मैंने इसको टैग करके ट्विटर के क्वेश्चन पूछे ना कि मेरे फैक्ट्स को काउंटर करो, मेरे फैक्ट्स को गलत साबित करो, तो इस ध्रुव राठी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। और सिर्फ ट्विटर से ही नहीं, बाकी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं वहां से ब्लॉक कर दिया। यहां तक इसने मुझे यूट्यूब पे भी ब्लॉक कर दिया ताकि मैं इसके यूट्यूब के चैनल के ऊपर जाके अपने ऑफिशियल चैनल से कमेंट ना कर सकूं। ऐसे लोग इतने दोगलेपन से झूठ बोलते हैं कि जो न्यू सब्सक्राइबर इसके चैनल पाते होंगे वो साफ सोचेंगे कि अरे बाप रे यही तो सच्चाई है, बाकी तो दुनिया झूठ है। लेकिन नहीं, इसने ये भी बोला है कि पहले जो गलतियां होती थी वो मैं अकेले वीडियो बनाता था इसलिए गलतियां हो जाती थी, लेकिन अभी के वीडियो पर कोई काउंटर नहीं कर सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। जबकि इसके रिसेंट कोई भी वीडियो देख लो उसमें या तो बीजेपी को क्रिटिसाइज किया है या हेट को प्रमोट किया है। रिसेंट इसकी वीडियो आई द केरला स्टोरी पर, इंजीनियर एक्सप्लेन ने साफ चैलेंज किया कि इसकी जितनी भी बातें हैं वो सब के सब फेक है, आपको वो जाकर वीडियो देखनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में है। जब उन्होंने चैलेंज किया तो उनको पहले यूट्यूब से ब्लॉक किया, जब उन्होंने मैसेज और ईमेल किया तो उनको ट्विटर और ईमेल दोनों से ब्लॉक कर दिया कि कोई भी बात बाहर ना आए। और उसके बाद जब मैंने इसको टैग करके ट्विटर के क्वेश्चन पूछे ना कि मेरे फैक्ट्स को काउंटर करो, मेरे फैक्ट्स को गलत साबित करो, तो इस ध्रुव राठी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। और सिर्फ ट्विटर से ही नहीं, बाकी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं वहां से ब्लॉक कर दिया। यहां तक इसने मुझे यूट्यूब पे भी ब्लॉक कर दिया ताकि मैं इसके यूट्यूब के चैनल के ऊपर जाके अपने ऑफिशियल चैनल से कमेंट ना कर सकूं। ये सिर्फ इतना ही तक नहीं रुका, जिन जिन लोगों ने इसके वीडियो के खिलाफ प्रूफ के साथ बातें रखी थी उन सब का यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया, अपने चैनल से उन्हें हटा दिया ताकि उनका कमेंट पता ना चल सके, ना ही वो ट्विटर पर कोई ट्वीट कर सके। और इतना ही तक ये गंदगी नहीं फैलाया है, इसने जब द केरला स्टोरी का रिप्लाई वीडियो बनाया था तो कुछ यूट्यूबर का कीवर्ड नेम ही ये ब्लॉक कर दिया ताकि कोई भी उनके नाम से इस पे कमेंट करेगा तो वो नहीं जाएगा, और जितने भी इसके खिलाफ कमेंट गए थे उन सबको डिलीट कर दिया ताकि ये पता ना चले कि इसके खिलाफ भी लोग कुछ बोल रहे हैं। तो एक चीज पता लगी मेरे को, नहीं आओ अब मैं लिखता हूं इसमें, सपोज मैं लिखता हूं एल्विस भाई बढ़िया आदमी है, ठीक है, उसमें खोल कर रख भाई न्यू वेस्ट में, ठीक है, एल्विस यादव बढ़िया आदमी है, कमेंट कर दिया मैंने, देखिए भाई इसके में बंद है क्या, बंद कर रखा है भाई, ये देखो सिस्टम, भाई ने मेरा कीवर्ड बंद कर रखा है यार, एल्विस नाम से कमेंट नहीं आ सकता, ऐसे नहीं कि चुप चुप के अपने साइड का बोल दिया और मेरे साइड का कमेंट बंद कर दिया। एक आदमी ने ताजा ताजा वीडियो निकाल दिया तो ऑब्वियसली बात है उसकी पब्लिक आके भाई तुम्हें गाली बकेगी, और मैंने भाई अपने कमेंट कुछ बंद नहीं कर रखे, आके कोई दिक्कत ना कह लो। एल्विस तूने अपने वीडियो में कहा कि तेरे अंदर मेरे लिए कोई हेट नहीं है, मैं भी यही कहना चाहूंगा, मेरे दिल में भी तेरे लिए कोई रत्ती भर तक हेट नहीं है। बिल्कुल सही बोला आपने ध्रुव भाई, मुझे भी आपसे कोई हेट नहीं है, मैं गू खाने वाला जर्मन सेफर्ड पाल लूंगा, लेकिन जर्मन में बैठा आम आदमी पार्टी का दलाल ध्रुव राठी से हेट कभी नहीं कर सकता। मुझे आपसे कोई हेट नहीं है, मुझे तो बल्कि आपसे बहुत प्यार है। धन्यवाद।